हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटिल जीनियस क्लासेस। मैंने अपनी इससे पहले की वीडियो में आप सबको नर्सरी क्लास में क्या क्या बच्चों को पढ़ाया जाता है इसके बारे में बताया था। आज की इस वीडियो में आप सबको नर्सरी सिलेबस के सबसे पहले टॉपिक प्री राइटिंग स्ट्रोक्स के बारे में बताऊंगी कि घर पर आप बच्चों को प्री राइटिंग स्ट्रोक्स कैसे सिखाएं। प्री राइटिंग स्ट्रोक्स में बच्चों को स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, इस तरीके की सारी लाइन को ट्रेसिंग के द्वारा बताया जाता है। जैसे कि देखिए, मैंने आपको स्टैंडिंग लाइन, सबसे पहले बच्चों को क्या करना है, इस तरीके से आप पास पास में डॉट्स लगा के दे दीजिए और उनको कहिए कि वो इन डॉट्स को मिलाएं। इस तरीके से जब वो डॉट्स को मिलाएंगे तो उनको धीरे धीरे लाइन खींचना आने लग जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, पहले तो आपने कई सारे डॉट्स लगा दिए हैं, उसके बाद आप दो डॉट्स लगा के दीजिए उनको, दूर दूर पे दो डॉट्स ऐसे लगा दीजिए और फिर उनको कहिए कि वो उसको ऐसे मैच करें। इस तरीके से कुछ दिन उनको प्रैक्टिस कराइए। उसके बाद जब छोटी लाइनें खींचने लग जाएं तब उनको बड़ी लाइनें सिखानी है, तो उनको कई सारे डॉट्स लगा के इस तरीके से दीजिए और उनको कहिए कि वो उसको मिलाए। पहले बच्चा टेढ़ा मेढ़ा करेगा लेकिन फिर धीरे धीरे एकदम सीधी लाइन खींचने लग जाएगा। इस तरीके से हम सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस करवाएंगे, उसके बाद बच्चों को स्लीपिंग लाइन्स लेंगे। स्लीपिंग लाइन में भी जैसे हम लोग ने स्टैंडिंग लाइन में स्टैंडिंग डॉट्स लगाए थे, वैसे हम लोग को स्लीपिंग डॉट्स लगाने हैं। तो पहले पास पास में डॉट्स लगा के उनको देंगे और उनसे मैच करवाएंगे इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद क्या है, दो चार पेज इस तरीके से प्रैक्टिस करने के बाद बच्चों को दूर दूर पे डॉट्स लगा के दीजिए। जैसे दो डॉट्स लगा दिए, बोलिए कि इनको मैच करें इस तरीके से। उसके बाद जब छोटी लाइनें खींचने लग जाए बच्चे कुछ दिन प्रैक्टिस के बाद, तब आप उन्हें लंबी लाइनें दीजिए, कई सारे डॉट्स लगा के दीजिए और जिसे वो धीरे धीरे मैच करेंगे। स्लीपिंग लाइन हो गया, स्टैंडिंग लाइन हो गया, अब उसके बाद आती है स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन टू टाइप्स की होती है, दो तरह की, पहली होती है राइट स्लैंटिंग लाइन और दूसरी होती है लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन। बच्चों को ये इंट्रोड्यूस कराना बहुत जरूरी है कि राइट स्लैंटिंग लाइन कैसी होती है और लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन कैसी होती है, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं। तो इसलिए सबसे पहले उनको एक एक पहले राइट वाली सिखाइए, उसके बाद लेफ्ट वाली सिखाइए। तो सिखाने का प्रोसेस वही है कि पहले उनको डॉट्स दीजिए, छोटी छोटी लाइनें खींचिए, उसके बाद उसको मैच करेंगे, फिर कम डॉट्स लगा के दीजिए और फिर लंबे लंबे डॉट्स लगा के दीजिए, जिससे वो लंबी लाइनें सीखना लिखना सीख जाए। जैसे मैंने इस तरीके से बनाया है, और उनको कलरफुल पेन या स्केच दीजिए ताकि उनका इंटरेस्ट बना रहे, पेंसिल से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं बच्चे। इस तरीके से ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन। अब जैसे इस तरीके से प्रैक्टिस करा दिए हैं तो इसके बाद आप डॉट्स बस दो दो डॉट्स लगा के दीजिए, तो बच्चा उन दोनों को मिलाएगा। तिरछा मिर्छा भी कर सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि एकदम सीधी लाइन खींचे, धीरे धीरे लेकिन सही हो जाएगा। फिर लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन इस तरीके से, फिर ज़्यादा डॉट्स लगा के उनको देंगे तो वो बड़ी बड़ी स्लैंटिंग लाइन्स खींचेंगे। इस तरीके से लाइन की बात आता है कर्व्स। कर्व्स चार तरीके के होते हैं, राइट कर्व्स, लेफ्ट कर्व्स, अप कर्व्स, डाउन कर्व्स, ठीक है। अब बच्चों को इसको भी इंट्रोड्यूस कराना है कि राइट कैसा होता है, लेफ्ट कर्व कैसा होता है, अप कर्व्स कैसा होता है, डाउन कर्व्स कैसा होता है, ये आप उनको अच्छे से इंट्रोड्यूस कराइए। ट्रेसिंग हम वैसे ही करवाएंगे जैसे हमने स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन की कराई, उसी तरीके से इस तरीके से डॉट्स बना के उनको देंगे। ये है राइट कर्व्स की, लेफ्ट कर्व्स की, अप कर्व्स की, डाउन कर्व्स। मैंने तो एक ही पेज में बता दिया, लेकिन आप उनको अलग अलग पेज में ही करके बताएं। और एक एक ट्रेसिंग करने में हो सकता है उनको एक से दो दिन लग जाए, या उनको कई सारे पेजेस पे करने के बाद आए, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आराम से बच्चे सीखेंगे। इस तरीके से डॉट्स देंगे तो बच्चे आराम आराम से इसमें ऐसे करेंगे। बच्चों को थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम लोग जल्दी कर लेते हैं। उसके बाद ये हो गया राइट कर्व्स, फिर इसे ही लेफ्ट कर्व्स हो गया, फिर उसके बाद अप कर्व्स,
इस तरीके से डाउन कर्व्स, ये सारे कर्व्स हो गए। अब हमने पूरे पूरे डॉट लगा के दिए, उसके बाद क्या करेंगे, सिर्फ टू डॉट्स लगा के देंगे। सबसे पहले राइट कर्व्स में दो डॉट ऐसे लगाएंगे और फिर बच्चों को ऐसे करके एक बताएंगे ऐसे करो तो ऐसे करेंगे, फिर हमने दो डॉट्स लगा के दिया वो इस तरीके से मिलाएंगे। राइट कर्व्स में क्या है, राइट कर्व्स ये हो गया, लेफ्ट कर्व्स, लेफ्ट कर्व्स में इस तरीके से मिलाएंगे। उसके बाद आता है अपकर्स, अपकर्स में आप ऊपर में टू पॉइंट लगा दीजिए और वो इस तरीके से घुमा के ऐसे बनाएंगे। कर्व सीखने में बच्चों को थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। उसके बाद क्या है, डाउन कर्व्स, डाउन कर्व्स में नीचे डॉट्स रखेंगे और बच्चे इस तरीके से बनाएंगे। तो इस तरीके से नीचे में दो पॉइंट दे देंगे, दो डॉट्स, और बच्चों को इस तरीके से डाउन कर्व्स बनाना सिखाएंगे। ये अप कर्व्स हो गए और ये डाउन कर्व्स हो गए, चार तरीके के कर्व्स होते हैं। इसके बाद बच्चों को सर्कल सिखाते हैं। सर्कल्स में भी पहले छोटे छोटे सर्कल डॉट्स के द्वारा बताएंगे, फिर थोड़े से बड़े, फिर उससे बड़े, इस तरीके से। जैसे मैंने यहाँ छोटे बनाए हैं, बच्चे इसको धीरे धीरे ऐसे करके मिलाएंगे। आप इसी तरीके से उनको कलरफुल बना के दे सकते हैं, फिर थोड़े से बड़े, छोटे इसलिए क्योंकि अचानक से आप बड़ा दे देंगे तो वो नहीं बना पाएंगे, उनसे गलतियां ज्यादा होंगी। छोटे छोटे से बनाना स्टार्ट करेंगे तो वो धीरे धीरे बड़ा बनाने लग जाएंगे इस तरीके से। इसके बाद आता है वेव्स। वेव्स में क्या है, हमने कर्व सीखा है, अप कर्व्स, डाउन कर्व्स, बस वैसा ही होता है वेव्स। बच्चों को इस तरीके से बताएंगे तो वो आसानी समझेंगे, जैसे अप एंड डाउन, अप कर्व्स एंड डाउन कर्व्स। तो इस तरीके से उनको बताएंगे तो आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि वो कर्व्स सीख चुके हैं इस वजह से। इस तरीके से आप उनको डॉट्स बना के दे दीजिए और वो धीरे धीरे ऐसे करते जाएंगे, अप डाउन, अप डाउन, ऐसे बोलते भी जाएंगे तो और अच्छा लगेगा उनको और आसानी से जल्दी से सीख जाएंगे। डाउन अप, डाउन अप डाउन। उसके बाद है जिगजैग लाइन। अब जिगजैग लाइन में क्या है, हम लोग ने स्लैंटिंग लाइन बच्चों को सिखाया है तो जिगजैग लाइन उनको समझने में टाइम ज्यादा नहीं लगेगा इस तरीके से। इसमें भी ये स्लैंटिंग लाइन, ये स्लैंटिंग लाइन, राइट लेफ्ट, राइट स्लैंटिंग लेफ्ट स्लैंटिंग, राइट स्लैंटिंग लेफ्ट, इस तरीके से लेफ्ट राइट स्लैंटिंग लेफ्ट स्लैंटिंग राइट, इस तरीके से आप डॉट डॉट्स करके दे सकते हैं। पहले छोटे साइज के दीजिए, फिर हो सके तो बड़े साइज के दीजिए, इस तरीके से वो मिलाएंगे। इस तरीके से आप अपने बच्चों को घर पे ही प्री राइटिंग स्ट्रोक्स सिखा सकते हैं ड्रेसिंग के द्वारा। और जब बच्चों को स्ट्रोक सिखाए तो ये ध्यान दें कि उनको डेली एक से दो पेज का आपको प्रैक्टिस करवाना है। बिना प्रैक्टिस के बच्चे परफेक्ट नहीं होते हैं, इसलिए किसी भी सक्सेस के लिए हमें प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।